दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा। एक जादू मैं भी आपको दिखाता हूँ। आप अपने पोको मोबाइल को बिना टच किए हुए आप देख सकते हैं। सेटिंग्स को खोलना हो तो इस तरह से सेटिंग्स को खोल सकते हैं और जहां भी स्क्रॉल करना हो बिल्कुल आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं और जिस भी ऑप्शन में जाना हो इस पर आसानी से जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको MIUI 14 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है जहाँ कोई भी अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आप भी अपने पोको मोबाइल के जादूगर बनना चाहते हैं तो बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आप जान सके कि कैसे बिना मोबाइल को टच किए हुए आप भी अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं इतनी बढ़िया तरीके से। कि आपने ये गौर किया कि मेरे पोको मोबाइल में इस तरह का विजेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, छोटा छोटा सा, जो वाईफाई बताता है, मोबाइल डेटा बताता है, ब्लूटूथ बताता है, हॉटस्पॉट बताता है, एरोप्लेन मोड बताता है। और ना सिर्फ बताता है बल्कि ये काम भी करता है। आप यहाँ से टच करके आप देख सकते हैं ब्लूटूथ को इनेबल कर सकते हैं, आपको क्विक टॉगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको ये पता था कि आपके पोको मोबाइल में इतने सारे फीचर्स का एक आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है जिसमें अपने मोबाइल के जितने भी फीचर्स हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक ही सिम कार्ड लगाया है, दूसरे सिम कार्ड नहीं होने के कारण ये सिम कार्ड का टेस्ट फेल हो जाता है। मगर ये वर्जन इन्फो करेक्ट बताता है, कीपैड काम कर रहा है सही बताता है, एलसीडी सही काम कर रहा है सही बताता है। ठीक इसी तरह से आप इतने सारे ऑप्शन को टेस्ट कर सकते हैं। डिटेल्स में हम लोग आगे देखने वाले हैं इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा दोस्तों ताकि आप इसके जितने भी वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे से जान सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू जहां मैं आपको बताने वाला हूं आपके पोको मोबाइल के 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स जिसको आप देखकर बिल्कुल आश्चर्य करेंगे। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपके पोको मोबाइल में ही था और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और जैसे ही आप इन सारे फीचर्स को जान जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल प्रो यूजर हो गए हैं अपने पोको मोबाइल के। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो टॉगल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कैसे आता है, आप खूब खोजे होंगे, आपको नहीं मिला होगा। तो मैजिकल ट्रिक गुरु है आपको बताने के लिए। बस आपको लॉन्ग टैप करना है अपने होम स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक फंक्शंस में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर वाईफाई को सिलेक्ट करने का, टॉर्च को सिलेक्ट करने का, मोबाइल डेटा को सिलेक्ट करने का, एरोप्लेन मोड को सिलेक्ट करने का, ब्लूटूथ को सिलेक्ट करने का। तो इतना सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं या किसी स्क्रीन पे लगा सकते हैं आपके मोबाइल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लूटूथ काम कर रहा था, फिर से मैं आपको टच करके दिखाता हूं। देखिए ब्लूटूथ मैंने टच किया, यहां ब्लूटूथ आ गया और क्विक टॉगल में भी ब्लूटूथ इनेबल हो जाएगा। यहां मैं डिसेबल करूंगा, यहां से भी गायब हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहां से भी डिसेबल हो चुका है। और जब क्विक टॉगल की बात हो ही रही है तो एक कमाल का चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको टाइम दिखा होता है, बस यहां टच कर देना और देखिए क्लॉक ऐप में आसानी से चले जाते हैं। आपको कहीं भी क्लॉक ऐप खोजने का जरूरत नहीं है। क्लॉक ऐप में आप जानते हैं कि आपको वेरियस फीचर्स यहां पर देखने को मिल जाता है, जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप बैक जाते हैं अगेन क्विक टॉगल में जाते हैं और यहाँ पर जो डेट है इस पर टच करते हैं तो कैलेंडर आपका खुल जाता है बहुत ही आसानी से। अगेन आपको कहीं से भी कैलेंडर खोजने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहां टच करके जा सकते हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता और वो अंदर एप्स में खोजते रहते हैं कैलेंडर कहाँ है, क्लॉक कहाँ है। और इतना ही नहीं, क्विक टॉगल की बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक कमाल का चीज आपने देखा होगा कि आपको गूगल पे का क्विक टॉगल आसानी से देखने को मिल जाता है। यानी गूगल पे के लिए भी आपको एप्स में खोजने का जरूरत नहीं है, बस टॉगल को ऊपर से नीचे लाना है, गूगल पे को टच कर देना और गूगल पे ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आजकल तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का ही जमाना है। और गूगल पे के ठीक नीचे आप देख सकते हैं टॉगल में ही आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी टच कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। लॉन्ग टैप करके आप रखिएगा तो आप देखेंगे स्क्रीनशॉट के ये आपको गैलरी में ले आता है अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो। और स्क्रीनशॉट मैंने किसका लिया है तो आपको एंटूटू बेंचमार्क का लिया है। आप फटाफट से देख सकते हैं कि आपके पोको मोबाइल का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर जो है ऑलमोस्ट मेरा 4,26,000 के आसपास आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गीकबेंच का भी स्कोर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सिंगल कोर में जो स्कोर है वो 861 निकल के आता है और मल्टी कोर में 1960 निकल के आता है। और वहीं जीपीयू की बात करें यानी ओपल जीएल स्कोर की बात करें तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं 403 निकल के आता है। और मैं जानता हूं अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि 0 to 100% चार्ज होने में इसको कितना समय लगता है। तो दोस्तों मैंने इस मोबाइल को टेस्ट किया है, 110 मिनट यानी कि 2 घंटे से 10 मिनट कम में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि रेडमी 12 में तो आपको एनलार्ज फोल्डर देखने को मिल जाता है, यानी फोल्डर को आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो एडिट करके एनलार्ज कर सकते हैं, मगर क्या आप पोको में कर सकते हैं, जबकि इसमें भी आपको MIUI 14 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, मगर अनफॉर्चुनेटली पोको में आप एनलार्ज नहीं कर सकते हैं फोल्डर को। आप देख सकते हैं फोल्डर को आप लॉन्ग टैप करते हैं कुछ भी नहीं होता है। मगर अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, आपको MIUI का डायलर देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप सेटिंग्स में जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ है, फटाक से यहां पर इसको ऑन कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड करेगा। मगर फायदा ये नहीं है दोस्तों कि ऑटोमेटिकली करेगा, वो तो गूगल का भी डायल करता था। अंतर ये है कि वहां पर जो गूगल वाली आंटी और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अनाउंस करती थी जिससे पता चलता था कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है सामने वाले को, इसमें नहीं पता चलेगा, ये साइलेंटली बिना
बिना कोई अनाउंस किए हुए आपके कॉल को रिकॉर्ड कर लेता है। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि आपको ऑल नंबर या सिलेक्टेड नंबर आपको ऑप्शन मिल जाता है चूज करने का, जो भी आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, मगर अच्छा चीज ये है कि सेटिंग्स के अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज दिया गया है, मगर वो बाय डिफॉल्ट रहता है जब आप सिलेक्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली रिकमेंडेड भी है, यानी कि रिफ्रेश रेट जो है वो डायनेमिकली चेंज करेगा जैसा भी आपका स्क्रीन उस समय होगा उसके अनुसार। और उससे फायदा यह है कि आपका बैलेंस्ड परफॉर्मेंस रहेगा और पावर कंजप्शन भी ओके रहेगा। मगर आप चाहते हैं कि नहीं 90 हर्ट्ज है तो 90 हर्ट्ज ही करना है, तो रिफ्रेश रेट को आप कस्टम में जाकर यहां से चेंज कर सकते हैं, 90 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल आपका मक्खन की तरह फोन हो जाएगा 90 हर्ट्ज के अनुसार और बहुत ही बढ़िया आपको फील होगा स्क्रॉल करने में। अब दोस्तों आप अपने पोको मोबाइल के होम स्क्रीन पे होते हैं, राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं ये क्या आ गया, जो आपको काफी अनवाइंग सा लगता है। आपको लगता है नहीं इसका तो आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है ये आपका बैटरी भी खा रहा हो, डेटा भी खा रहा हो, तो फिर आपको लगता है इसको हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है और इसके बाद आप यहाँ पर राइट में देख सकते हैं बॉटम में सेटिंग्स का आइकन मिल जाता है, इसमें जाना है, उसके बाद मोर में जाना है तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको -1 स्क्रीन देखने को मिल जाता है जिसमें बोलता है कि ये जो डिस्कवरर है वो माइनस स्क्रीन में आ रहा था, मगर आप चाहते हैं कि डिस्कवरर नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप नन कर सकते हैं, मगर ऐप वॉल्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कमाल का चीज है। कैसे कमाल का चीज है, तो आप बैक जाएंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, अब आप राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वेरियस चीज देखने को मिल जाता है जो आपको काम का लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेरियस एप्स देखने को मिल जाता है, एक जगह पे एडिटर पिक्स है, क्रिकेट का आप स्कोर देख सकते हैं, वेदर देख सकते हैं, हेडलाइन देख सकते हैं और इतने सारे विजेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब होम स्क्रीन के सेटिंग्स की बात हुई रही तो फिर से होम स्क्रीन के सेटिंग्स चलते हैं, मगर इस बार दूसरे तरीके से आते हैं। बस दो उंगलियों से आपको अपने होम स्क्रीन पे ऐसे करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाते हैं, मोर में जाते हैं, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं और आपका मन करता है कि बहुत बटन का यूज हो गया, बटन बटन करके बोर हो गया। क्या आईफोन की तरह आपको जेस्चर मिल सकता है आपके पोको मोबाइल में? बिल्कुल मिल सकता है। सिस्टम नेविगेशन में बटन यहाँ पर सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर जेस्चर को यूज कर सकते हैं जिसमें बटन गायब हो जाएगा और बिल्कुल आईफोन की तरह नेविगेट कर सकेंगे। मगर यहाँ पर एक क्विक टिप ये है दोस्तों कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप चाहते हैं ये बैक बटन जो है आपके लेफ्ट में रहे, तो यहाँ मिरर बटन को आपको ऑफ कर देना और देखिए बैक बटन जो है लेफ्ट में चला जाता है और रिसेंस बटन राइट में आ जाता है। और यहाँ पर एक क्विक टिप और मैं आपको दे देता हूँ कि ये होम बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं ये क्या हो गया, ये बड़ा अनोइंग से आपको लगता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बटन शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है, इसमें जाना है, लॉन्ग प्रेस द होम बटन है, इसमें जाना है और इसको आप यहाँ से नन कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो जाए, करंट ऐप जो है क्लोज हो जाए, मेनू शो करे, टर्न ऑफ स्क्रीन करे, या नन चाहते हैं तो नन कर दीजिए। अब देखिए आप लॉन्ग टैप करेंगे कुछ भी नहीं होगा। और ठीक इसी तरह से इतना सारा बटन शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है, जैसे पावर और होम बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पावर मेनू एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, आप इसको देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। मगर आपका तलब यह है कि जेस्चर मोड में आ जाए, यानी आईफोन की तरह आपका फोन यूज होता है, बस जेस्चर को सिलेक्ट कर लेना है और ये बोलेगा लर्न करने के लिए, बताने की जरूरत नहीं है कि मैजिकल टिक गुरु है आपके पास, इसको आप बता दीजिए, नॉट नाउ कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन जो है वो गायब हो जाता है और जेस्चर आ जाता है, आप देख सकते हैं बटन गायब हो गया, जेस्चर बाहर आ गया। अब ऑब्वियसली आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि बटन नहीं है तो होम स्क्रीन पे कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर से कर दीजिए, मक्खन की तरह बिल्कुल ये होम स्क्रीन पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको लगता है कि रिसेंट ऐप में जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो नीचे से ऊपर आप इसे स्वाइप करके रखेंगे, बीचों बीच आप देख सकते हैं जितने भी रिसेंट ऐप है यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको उड़ाना है इनको तो ऐसे करके आप इसको उड़ा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करना है तो टच कर दीजिए, देखिए आ जाता है। और ऑब्वियसली वो आपको लगेगा कि बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो आप किसी भी स्क्रीन से ऐसे अंदर की ओर करेंगे, देखिए बैक चले जाते हैं, और लेफ्ट से भी अंदर की ओर करेंगे, आप देखिए बैक का बटन आ जाता है और आप बैक चले जाते हैं। और उसके बाद आप सोचने लगते हैं कि रिसेंट ऐप में अगर आपको नेविगेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे सेटिंग्स है रिसेंट ऐप में कुछ और खुला हुआ उसमें जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो बस इस नेविगेशन बार को आपको यूज करना और देखिए आप क्रोम में आ जाते हैं जो कि बैकग्राउंड में खुला हुआ है। अब अगेन आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो प्ले स्टोर खुला हुआ था वो भी आ जाता है। अब आपको लगता है कि राइट की जगह लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो लेफ्ट में भी आप करेंगे तो वही होगा, जो रिसेंट ऐप है उसमें आप नेविगेट करेंगे, चाहे आप राइट करें चाहे आप लेफ्ट करें। और लास्ट में आपको लगता है कि ये जो जेस्चर बार है ये भी आपको नहीं दिखना चाहिए, तो हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लीजिए, अगेन ये बोलेगा जेस्चर यूज करना, बिल्कुल आपको सीखने का जरूरत नहीं है, डोंट शो कर दीजिए, नॉट नाउ कर दीजिए, और आप देख सकते हैं ये जो जेस्चर बार है ये भी गायब हो जाता है, मगर काम बिल्कुल वही करता है, नीचे से ऊपर से स्वाइप कीजिए, आप देखिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों आपने गौर किया होगा कि रीसेंट्स में आप जाते हैं तो ये सारा का सारा वर्टिकली यहाँ पर आपको दिखता है, जो कि आपको लेफ्ट राइट से उड़ाना पड़ता है, आप ऊपर उड़ाएंगे तो देखिए ये नहीं उड़ेगा, तो क्या कोई तरीका है कि ऊपर से भी उड़ाया जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा। और मजे की बात यह है कि तीसरे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का, इसके लिए आपको बस सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन का आपको सेटिंग्स में डायरेक्ट चले जाते हैं। और इसमें थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे रीसेंट्स में अरेंज आइटम रीसेंट्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ये वर्टिकली सिलेक्टेड, इसलिए वर्टिकल था, बस आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टली कर देना है। और अब अगर आप रीसेंट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये हॉरिजॉन्टली आता है, बिल्कुल आसानी से आप इसको जैसे उड़ाते हैं नॉर्मल मोबाइल में वैसे उड़ा सकते हैं। अब इसी में बैक जाएंगे तो एक और चीज आप देखेंगे कि शो मेमोरी स्टेटस है, रीसेंट्स में आप जाते हैं तो कहीं भी मेमोरी का
स्टेटस आपको नहीं दिखाता है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये डिसेबल है। बाय डिफॉल्ट ये आपको इनेबल करना पड़ता है, और जैसे ही आप इनेबल करते हैं आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 1.6 GB जो है वो अवेलेबल है 4 GB में से, और 4 GB जो है इसका रैम प्लस है अवेलेबल, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि कहां से आप इनेबल कर सकते हैं आगे वीडियो में। और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आपको कमाल का चीज मिल जाता है, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन। इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि स्क्रीन पर आप डबल टैप करें तो ये लॉक हो जाए। और ऑब्वियसली ये लॉक हो गया है तो अनलॉक करने के लिए आप फिंगरप्रिंट सेंसर देंगे, मगर आप टच करते हैं कुछ होता ही नहीं है, मगर दबाते हैं तो आपको लगता है कुछ हुआ है, ये क्यों हो रहा है। वो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि बाय डिफॉल्ट जो है फिंगरप्रिंट का सेटिंग्स जो है उस तरह का होता है, तो आपको उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, नीचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है, और ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट अनलॉक में जाना है, अपना पैटर्न दे देना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट ऐड करने का, जो कि आप जानते ही हैं, मगर काम का चीज है कि रिकग्निशन मेथड जो है वो प्रेस है, यानी प्रेस करेंगे तभी ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा। इसको आप यहां से बस टच कर देना है और आप जैसे ही आप टच करेंगे ये बिल्कुल काम कर जाएगा। वैसे कमाल का चीज इसमें ये है कि फेस अनलॉक में अगर आप जाते हैं अपना पैटर्न देते हैं तो आप देखते हैं कि आप इसमें मल्टीपल फेस को भी डाल सकते हैं, जैसे फेस वन मैंने डाला है, फेस टू डाल सकते हैं, फेस थ्री डाल सकते हैं। और इसमें भी एक अनॉइंग चीज ये है कि जब आप फेस अनलॉक करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है वही रहता है, आपका होम स्क्रीन बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है इनेबल रहता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे ही फेस से ये अनलॉक हो जाए ऑटोमेटिकली आप होम स्क्रीन पे चले जाए, आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, बस इसको आपको डिसेबल कर देना है। और ऑब्वियसली इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एडिशनल लाइट का जरूरत होता है कभी कभी रात में फेस अनलॉक को यूज करने के लिए, तो इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। और अब अगर आप बैक जाएंगे पासवर्ड सिक्योरिटी में तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपको यहां से ऑन करना है। जो बोलेगा एक आपको पैटर्न सेट करने के लिए, आपको यहां पे पैटर्न दे देना है, फिर से एक बार पैटर्न दे देना, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट करने पे ये आपको ले आता है यू आर साइंड इन, यानी ये आपको एमआई के अकाउंट से लॉगिन कराना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आप जाल में मत फंसिए, नॉट नाउ कर दीजिए। और ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड करता क्या है दोस्तों, तो ये आपके मैसेज को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके फोटोज को प्रोटेक्ट करता है, फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके इसमें जितने भी नोट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्स या कोई भी इंसान बाहर का जो है वो आपके मैसेज, फोटोज, फाइल्स और नोट्स को इस मोबाइल में एक्सेस नहीं कर सकता है अनलेस एंड अंटिल उसके पास ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड हो। थोड़ा इसको और प्रोटेक्टिव बनाना हो तो अनलॉक विद फिंगरप्रिंट भी आप इनेबल कर दीजिए, पैटर्न दे दीजिए, और आप देख सकते हैं ये बोलेगा फिंगरप्रिंट एक बार चेक कराने के लिए, आप चेक कर लीजिए और देखिए ये बोल देता है फिंगरप्रिंट वेरीफाइड। तो आपके पोको मोबाइल में अगर आपको अपने मैसेजेस को, फोटोज को, फाइल्स को, नोट्स को सेफ रखना है ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके, तो आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को यूज करना ही चाहिए। अब दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि इसमें आपको ऐप लॉक, डुअल ऐप और हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको डुअल ऐप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, मगर ऐप लॉक और हाइड ऐप मिलता है। तो सबसे पहले ऐप लॉक देखते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, और आप देख सकते हैं ऐप लॉक का ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। पहली बार आप जाएंगे तो ये बोलेगा आपको टर्न ऑन करने के लिए, ऑब्वियसली आपको पैटर्न दे देना है, फिर से पैटर्न दे देना है, नेक्स्ट कर देना है, अगेन ये बोलेगा आपको एमआई के अकाउंट में लॉगिन करना, जो मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, जाल में नहीं फंसना है, नॉट नाउ को कर देना है। और ये काम मानने वाला है दोस्तों, ये अगेन आपको एक टाइमर लगा देगा, मगर फिर भी आपको नॉट नाउ ही करना है। और फाइनली आपके पास ऐप लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें ये बोलेगा कि इतने सारे ऐप का आप ऐप लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप उसको ऐप लॉक कर सकते हैं यहाँ से इनेबल डिसेबल करके। एग्जांपल के लिए मैं फेसबुक को जो है लॉक कर देता हूँ, यूज ऐप लॉक का यूज करता हूँ। फिर ये बोलेगा वेरीफाई करने अपने फिंगरप्रिंट को, ऑब्वियसली वेरीफाई तो करना ही होगा, कर लीजिए, फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो गया, और ये देखिए फेसबुक जो है वो लॉक हो जाता है। और इतने सारे ऐप जो है वो लॉक नहीं है, जिसको आप बारी बारी से लॉक कर सकते हैं, मगर सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली आपको अपने ऐप स्क्रीन में जाना है, खोजना है फेसबुक कहाँ पर, यहाँ फेसबुक को बस इस पर आपको टच करना, और देखिए ये बोल देता है अगेन, लेकिन ये आपको पीछा नहीं छोड़ता, ये बोलता है शाओमी अकाउंट को ऐड करने के लिए, जो बिल्कुल भी नहीं करना है, डोंट आस्क, स्क्रीन कर देना है, कैंसिल कर देना है। और आप देख सकते हैं फेसबुक जो है वो लॉक हो चुका है, या तो आप पैटर्न दे देंगे या फिंगरप्रिंट दे देंगे तभी आप अंदर जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं आप अंदर चले जा चुके हैं। अब आपको जानना है कि हाइड ऐप आप कैसे कर सकते हैं अपने पोको मोबाइल में, तो आपको यहाँ ऐप स्क्रीन में जाना, और ऐप स्क्रीन में जैसे ही आप जाते हैं आप देखते हैं इतना सारा चीज खुल जाता है, जो आपको बहुत अनॉइंग लगता है, आपको लगता है इतना सारा क्यों हो रहा है, ये कीपैड क्यों खुला है। इसको अगर आपको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स है, इसमें जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन सर्च आफ्टर ओपनिंग ड्रॉअर, इसको आपको डिसेबल कर देना है। और अब जो अपने ऐप स्क्रीन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं खुलता है, बिल्कुल ऐप स्क्रीन ही खुलता है। मगर हाइड ऐप्स को इनेबल करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं हाइड ऐप आइकन को, इसको आपको बस इनेबल कर देना है। और यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप हिडन ऐप आइकन को देखना चाहते हैं तो आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और दो बार राइट स्वाइप करना है। कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ, ऐप ड्रॉअर में जाना है, दो बार ऐसे ऐसे करना है, और आप देख सकते हैं हिडन ऐप को आपके यहाँ पर देखने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्वियसली या तो आपको पैटर्न दे देना है या फिंगरप्रिंट दे देना, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप हिडन ऐप देख सकते हैं, मगर अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो आपको लाने के लिए क्या करना होगा,
राइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन मिलता है जो बताता है कि आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऐप को हाइड करना है। तो ऑब्वियसली फेसबुक को भी हम लोगों ने लॉक किया था, इसी पे अपना सारा गेम खेल जाते हैं, हाइड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और आप देखिए हिडन ऐप आइकन जो है यहाँ आ जाता है, मगर इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ये कि ऐप ड्रॉर में जाकर देखना है कि फेसबुक गायब हुआ है या नहीं हुआ है। और क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं एफ सेक्शन में फेसबुक जो है वो गायब हो चुका है, जो अभी हम लोगों ने ओपन किया था ऐप लॉक चेक करने के लिए। और ऐप ड्रॉर में ही आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में बहुत सारा कलर है, इसका फायदा क्या है। तो रेड में जाते हैं तो आप देखते हैं जितना भी ऐप आइकॉन आपका रेड कलर में एक जगह कैटेगराइज हो जाता है, आप देख सकते हैं। आप येलो में जाते हैं तो येलो आ जाता है, ग्रीन में जाते हैं तो ग्रीन आ जाता है, ब्लू में जाते हैं तो ब्लू में जाता है। ये कैसे आता है, ये क्या जादू है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एक जादू आपने और देखा होगा, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो काफी अच्छा सा ट्रांसलूसेंट सा हो गया, यानी पीछे का वॉलपेपर को आप बहुत अच्छा से देख पा रहे हैं ब्लर टाइप में। तो इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, तो दोनों को अचीव करने के लिए अगेन आपको इसके सेटिंग्स में जाना होगा। और कलर से अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हैं ऐप आइकन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप आइकन बाय कलर, बस इसको यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। और बैकग्राउंड को आप ट्रांसलूसेंट बनाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में चले जाइए और यहाँ पर लाइट सिलेक्ट कर लीजिए और ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी कितना होगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, 25 कीजिएगा तो बिल्कुल उस तरह का दिखेगा। अब दोस्तों मुझे भर के एक सवाल आता है कि अगर आपके पास MI का मोबाइल है, Redmi का मोबाइल है, Poco का मोबाइल है, डेटा यूसेज देखना हो तो पहले यहाँ पर डेटा यूसेज दिखता था मगर अब यहाँ से हटा दिया गया है, तो डेटा यूसेज देखना हो तो आप कहाँ देखेंगे। तो बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन शेयरिंग में जाना है, नीचे आएंगे तो डेटा यूसेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं करंट का डेटा यूसेज तो ये है और अंदर आप जाकर किसी के भी ऐप में डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आपको डे वाइज देखना हो या मंथ वाइज देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कल का अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कल आपने इतना डेटा यूज किया है 1.29 GB, इस मंथ में आप कितना यूज किया है तो लास्ट मंथ या दिस मंथ का आप देख सकते हैं टोटल आपने 5.8 GB यूज किया है। और अब जो मोबाइल डेटा की बात हो रही है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें आपको 5G प्लस यानी 5G का भी कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है, 4G प्लस तो ऑब्वियसली इसमें आपको देखने को मिलता ही मिलता है। और 5G प्लस के कारण आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों कि आपको इस मोबाइल में जो इंटरनेट स्पीड मिलता है, डेटा स्पीड मिलता है 5G का, वो बहुत ही शानदार है, आईफोन को भी फेल कर देता है कभी कभी। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम वाईफाई को यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं वाईफाई इनेबल हो गया है, मोबाइल डेटा को डिसेबल कर देते हैं। और जो मोबाइल डेटा आपका कनेक्ट हो जाता है तो आप हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं वाईफाई टेथरिंग का भी सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, यानी इस मोबाइल के वाईफाई को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बिना किसी पासवर्ड को शेयर किए हुए, और कोई भी हैसल नहीं होगा आपको पासवर्ड का। अब ऑब्वियसली मैं जानता हूं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि क्या आपको इस पोको मोबाइल में फ्लोटिंग बार और स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है, अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो बताता है कि कैसे आप फ्लोटिंग विंडो को ला सकते हैं, जिसमें जो सबसे कन्वीनियंट वे है वो है साइड बार का। तो साइड बार को आपको यहाँ से बस इनेबल कर देना है और आप देख सकते हैं इतना सारा एडवांस्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको गेम्स में और वीडियो एप्स में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइड बार आप देख सकते हैं इनेबल किए तो यहाँ पर आ गया, और ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली ये कैसे खुलेगा, तो ये फ्लोटिंग विंडो में ही खुलेगा। तो इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाता है, जिसको रिसाइज करना हो तो बस आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो रिसाइज हो जाएगा, आप देख सकते हैं छोटा बड़ा इस तरह से आप कर सकते हैं। कहीं भी मूव करना है स्क्रीन में तो बस इसको पकड़ के आप ऐसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये कहीं भी मूव हो जाता है। और आपको लगता है कि नहीं बैकग्राउंड में आपको कुछ काम करना है तो इसको आप पार्क कर सकते हैं, इस तरह से आप कर दीजिए, देखिए छोटा पार्क हो जाएगा, फिर से ऐसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मगर आप चाहते हैं कि और छोटा पार्क हो जाए तो देखिए इस तरह से पार्क हो जाएगा। बैकग्राउंड में आपको जो भी मन है वो करते रहिए। आपको लगता है कि नहीं अब आपका काम हो गया इसको लाना है तो बस यहाँ से इसको टच कर दीजिए, देखिए वापस यहाँ पर आ जाता है। और आपको कुछ समय के बाद लगता है कि आपको फ्लोटिंग विंडो का काम हो गया है तो नीचे का बार पकड़ के बस इसको ऊपर कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। वैसे फ्लोटिंग विंडो में जाने का एक और तरीका है, आपको रिसेंट्स में जाना है, किसी भी ऐप को यहाँ पर टच करके रखना है, आप देख सकते हैं बीच वाला जैसे ही आप टच करेंगे ऑप्शन तो आपको फ्लोटिंग विंडो आ जाता है इस तरह से। और आप चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन में करना तो कुछ नहीं करना है, इस बार को पकड़ के बस नीचे ऐसे कर देना, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो इस फ्लोटिंग विंडो के अपार सफलता के बाद आप चाहते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन भी देख लिया जाए तो फटाक से आपको रिसेंट्स में जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है स्प्लिट स्क्रीन का ही है, जो ऊपर में स्प्लिट स्क्रीन में आधा कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे दूसरा आप कोई भी कर सकते हैं यहाँ से खोल के या फिर ऐप्स को खोल के। चलिए इसको ही खोल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आधे में प्ले स्टोर हो जाता है, आधे में क्रोम हो जाता है। और आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो बस यहाँ से बीच का डिवाइडर पकड़ लीजिए और देखिए ये छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं क्रोम जो है ऊपर जाना चाहिए, प्ले स्टोर नीचे आना चाहिए, तो बस यहाँ पर दो बार टाइप कीजिए, देखिए आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं प्ले स्टोर का जरूरत नहीं है स्प्लिट स्क्रीन में, आपको पूरा का पूरा क्रोम चाहिए तो इस बार को पकड़ के नीचे कर दीजिए, देखिए पूरा का पूरा फुल स्क्रीन में क्रोम आ जाएगा। अब साइड बार जो है वो आपकी यूट्यूब में कैसे काम करता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको जाना है और आप जैसे ही यूट्यूब में आएंगे तो देखेंगे साइड बार यहाँ पर बिल्कुल इंटैक्ट है, बस यहाँ से अंदर लाना और आप देख सकते हैं आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, साउंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, साउंड को एक्सेस करने का देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्लैरिटी आप जो 2-3-4 करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं ताकि साउंड बिल्कुल छन छन के आपको सुनाई दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फ्लोटिंग विंडो में भी किसी
किसी भी ऐप को यहाँ पर खोल सकते हैं, मगर वो काम का चीज नहीं है दोस्तों। काम का चीज क्या है इसमें, यूट्यूब का एक प्रीमियम फीचर है जो पोको आपको फ्री में देता है। तो वो क्या है, प्ले वीडियो साउंड विद स्क्रीन ऑफ, यानी कि आप अपने वीडियो के साउंड को प्ले कर सकते हैं भले ही आप स्क्रीन को ऑफ क्यों नहीं किए हुए, ताकि आपका बैटरी बचे और कभी कभी आपको लगता है आपको केवल गाना सुनना है वीडियो नहीं देखना है, तो आप अपने मोबाइल का स्क्रीन ऑफ कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका म्यूजिक जो है वो भी ऑफ हो जाता है, जो कि प्रीमियम फीचर है। यूट्यूब आपको पैसा लेकर देता है, पोको आपको फ्री में देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो साइड बार है ये आपको गेम में भी देखने को मिलता है। तो गेम में एक और कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, गेम टर्बो, बस इसको आपको यहां से इनेबल कर देना है और इस तरह से ये इनिशिएट करता है बहुत ही बढ़िया साउंड के साथ। और यहां पर आप देख सकते हैं जितना भी गेम है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है, जिसका आपको प्रीव्यू यहां पे देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली अगर इसको प्ले करना हो तो आप यहां से स्टार्ट प्लेइंग कर देते हैं और जैसे ही ये प्ले होता है तो यहां पर आ जाता है गेम टर्बो जो है वो बूस्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। तो आपको लगता है जब तक बैकग्राउंड में गेम जो है इनिशिएट हो रहा है, यहां से गेम टर्बो को ले जाते हैं और इस तरह से आप करते हैं तो गेम टर्बो आ जाता है। अगेन आप देख सकते हैं यहां पे फ्लोटिंग विंडो में आप कोई भी ऐप को खोल सकते हैं और साथ में यहां पर आपको मेमोरी क्लियर करने का ऑप्शन मिल जाता है, फ्री अप स्टोरेज मिल जाता है, मगर वो कमाल का चीज नहीं है। गेमिंग में आप क्या चाहते हैं, लैग फ्री गेमिंग हो और बिल्कुल मक्खन की तरह आप गेमिंग कर सके, तो आप परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो बस यहां से टच कर दीजिए, देखिए परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है और यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कितना FPS पे ये काम कर रहा है, पहले कितना FPS पे था। तो ऑब्वियसली ये तो आप देख सकते हैं कि FPS में काफी सुधार आया है, मगर और आप बूस्ट करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस मोड को भी इनेबल कर दीजिए, देखिए कलर भी चेंज जाता है और आपका बिल्कुल परफॉर्मेंस शानदार देगा। और शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको D&D मिल जाता है, स्क्रीनशॉट मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है और वेरियस फीचर्स है जिसको यूज कर सकते हैं। मगर कमाल के इसमें क्या है दोस्तों, आपको वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें ओरिजिनल वॉइस है, गर्ल का वॉइस है, वुमेन का वॉइस है, कार्टून है, रोबोट है। तो चलिए एक वुमेन का ही आवाज निकालते हैं और देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो ऐसा करने के लिए इस बटन को बस 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना और जो भी बोलेंगे ये रिप्लाई करेगा वुमेन के आवाज में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करके शेयर कर देना है तमाम दोस्तों के साथ और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का मॉड्यूलेटर जो है आपके आवाज को मॉड्यूलेट करके वॉइस चेंज करके बताता है। और आपके सब्सक्राइबर जो है, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीम करते हैं तो आपके सब्सक्राइबर आश्चर्य करेंगे कि ऐसा ऐसा आवाज, गर्ल का आवाज, रोबोट का आवाज, मैन का, कार्टून का आवाज आप कैसे निकाल रहे हैं। और अब जब हम लोग BGI गेमिंग में है तो फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें आपको सेटिंग्स क्या देखने को मिल जाता है। तो आपको ग्राफिक्स ऑडियो में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्मूथ ग्राफिक्स में अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है और जैसे ही आप बैलेंस ग्राफिक्स करते हैं तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट अगेन देखने को मिलता है, मगर जैसे ही आप HD ग्राफिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि अल्ट्रा फ्रेम रेट गायब हो जाता है, हाई फ्रेम रेट आ जाता है। और उसके बाद आप HDR ग्राफिक्स में जाते हैं तो ये बोलता है कि ये सपोर्ट ही नहीं करता है, यानी मैक्सिमम HD ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा और मैक्सिमम फ्रेम रेट अल्ट्रा है, मगर उसके लिए आपको बैलेंस्ड या स्मूथ ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना होगा। और BGMI के बाद आइए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी देख लेते हैं कि आपको क्या ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और ऑडियो एंड ग्राफिक्स में जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी आपको मिलता है हाईएस्ट मोड में और हाई फ्रेम रेट आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप हाई कर देते हैं ग्राफिक तो भी आप देख सकते हैं हाई फ्रेम रेट ही मिलता है, मीडियम ग्राफिक भी कर देते हैं तो हाई फ्रेम रेट ही मिलता है और लो ग्राफिक कर देते हैं तो भी हाई फ्रेम रेट ही देखने को मिलता है। दोस्तों ऑब्वियसली ये जानने के लिए आप बेकरार होंगे कि इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो आपको अपने क्विक टॉगल में आना है, स्क्रीन रिकॉर्डर यहां पर आपको मिलता है, लॉन्ग टाइप करके रखना है स्क्रीन रिकॉर्डर का, आप देखते हैं ऑप्शन में आते हैं जिसमें पहला चीज आपको रेजोल्यूशन का ही मिलता है, फुल HD में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1920x842 में। इसके बाद वीडियो क्वालिटी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं 16 Mbps से लेकर 50 Mbps तक है। ओरिएंटेशन ऑब्वियसली आपका ऑटो हो सकता है या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और साउंड का सोर्स क्या होगा, सिस्टम होगा, माइक होगा, बोथ होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई साउंड नहीं चाहिए तो नन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रेम रेट मिल जाता है 30 FPS तक मैक्सिमम। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है कि आप जो टच जेस्चर है उसको भी रिकॉर्ड करें ताकि वो भी आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखे, तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। बटन टैप, जो भी बटन आप टैप कर रहे हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाए तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब इसमें आपको रैम प्लस देखने को मिलता है, यानी मेमोरी एक्सटेंशन मिलता है। कहाँ मिलता है, तो एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन है जिसमें आप 1 GB बढ़ा सकते हैं, 2 GB बढ़ा सकते हैं, 4 GB बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप शौकीन है गेमिंग के या फिर आप अपने पोको मोबाइल में वीडियो एडिटिंग टूल का यूज करते हैं जिसमें आपको अचानक से मेमोरी का जरूरत पड़ जाता है ताकि आप बिल्कुल स्मूथली अपने काम को कर सके, तो यहाँ पर आपको मेमोरी एक्सटेंशन यूज करना चाहिए। मगर आप अपने मोबाइल में इस तरह की चीज को यूज नहीं करते हैं, मेमोरी एक्सटेंशन आपको लगता है वेस्ट है, तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, बस एक बार आपको फोन को रिस्टार्ट कर लेना होगा। अब इसी
एक्सी में अगर आप बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में तो आप देख सकते हैं आपको 100 मोड भी देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। और ये काम कैसे करता है, तो होम स्क्रीन से बस आपको ऐसे राइट स्वाइप कर देना, आप देखिए 100 मोड में आ जाते हैं। 100 मोड का फायदा क्या है दोस्तों, स्क्रीन इतना बड़ा है, इसका अंगूठा कहाँ ऊपर तक जाएगा, मगर यहाँ आप देखिए आप बहुत आसानी से एक ही हाथ से अपने सारे मोबाइल के एक्शन को कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मोबाइल का छोटा रूप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और कुछ भी नहीं। और आपको लगता है कि 100 मोड का काम हो गया है तो कुछ नहीं करना है, कहीं भी बाहर में टैप कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। और एडिशनल सेटिंग्स में ही 100 मोड के ऊपर आप देख सकते हैं जेस्चर शॉर्टकट मिलता है, जो जरूर से आपको यूज करना चाहिए, जिसमें सबसे कमाल का चीज आप जानते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट लेने का। तो तीन तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जानते हैं अपने एमएम मोबाइल में, जिसमें जो सबसे कन्वीनियंट होता है वो होता है तीन फिंगर को बस ऐसे आप कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं। और स्क्रीनशॉट का एक और कमाल का चीज क्या है, अगेन आप तीन फिंगर से ऐसे करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल बटन है इसको टच कर देंगे। अब देखिए ये स्क्रॉल करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, और जैसे ही ये स्क्रॉल करेगा ये एंड तक जाएगा और बताएगा कि ये एंड पे पहुंच गया है, ताकि आप पूरा का पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले सके। देखिए ये बोलता है स्क्रीनशॉट हो चुका है, अग्री कर लीजिए। और देखिए इतना बड़ा स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर आप ओके करके गैलरी में सेव कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट के बाद आप पार्शियल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि हमको थोड़ा सा जगह चाहिए तो तीन फिंगर से बस ऐसे टच करके रखिए, आप देख सकते हैं पार्शियल स्क्रीनशॉट के लिए आपको मिल जाता है। बस ऐसे आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट के लिए सिलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया स्क्रीन का आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और एरिया तिरंगा लेना है तो आप इस तरह का शेप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का शेप भी आपको हैंडी अवेलेबल है देखने के लिए। और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बस यहाँ से सेव कर देना है, ये गैलरी में जाके सेव हो जाएगा, सेव सक्सेसफुल है। इसके बाद अगेन बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं जब आपका स्क्रीन लॉक हो। उसके लिए आपको क्या करना है, तो पावर बटन को बस दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है, या वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है। उसको इनेबल करने के लिए आप इसमें जाएंगे और यहाँ से इनेबल कर देंगे। आप देखिए डबल प्रेस करेंगे पावर बटन को तो कैमरा इनेबल हो जाएगा, या वॉल्यूम बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे कैमरा इनेबल हो जाएगा। टेस्ट करना तो बनता है, तो दो बार आप टैप करेंगे तो देखिए स्क्रीन लॉक हो जाता है, और दो बार पावर बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है इस तरह से। वैसे आपके पोको मोबाइल में आपको अनोइंग चीज ये लगता है कि पावर बटन को आप प्रेस करके रखते हैं ताकि आपका पावर मेनू आ जाए, और ये क्या, ये कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको अजीब लगता है, आपको अनोइंग लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है लॉन्च असिस्टेंट, इसमें जाएंगे और यहाँ से आप इसको बस डिसेबल कर देंगे। अब पावर बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो ये पावर बटन का ही काम करेगा, यानी पावर ऑफ करेगा या रिबूट करेगा। वापस से बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में तो आप देखेंगे फ्लैशलाइट ऑन करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, डबल प्रेस द पावर बटन। मगर ये क्या, आपने तो अभी डबल प्रेस करने पे कैमरा ऑन किया था। ऑब्वियसली इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे ये बोलेगा कि कैमरा है, फ्लैशलाइट करना है, बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम डाउन को भी दो बार करने से कैमरा हो सकता है। तो वॉल्यूम डाउन दो बार कीजिए कैमरा के लिए और पावर बटन दो बार कीजिए फ्लैशलाइट के लिए। अगेन बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देखेंगे डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी एक फीचर को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कैमरा को ओपन कर सकते हैं, कैलकुलेटर है, साइलेंट मोड है, या आप कुछ नहीं करना चाहते तो नन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने कैमरा कर दिया, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो दो बार बस ऐसे ऐसे टाइप करना है, देखिए कैमरा जो है फटाक से खुल जाता है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें कमाल का चीज आपको साउंड असिस्टेंट मिल जाता है इस पोको मोबाइल में, जहां मल्टीपल म्यूजिक एप्स को अगर आप प्ले कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बस इसको आपको यहां से इनेबल कर देना, मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बस यहां से इसको इनेबल कर देना है। और अब आप अपने पोको मोबाइल में मल्टीपल म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक को प्ले करते हैं तो बस आपको अपने वॉल्यूम को एक्सेस करना है। आप जरा सा ही वॉल्यूम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर एक म्यूजिक का आइकॉन बन जाता है, इसमें जाएंगे और क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऐप, यानी कि आप दो ऐप से भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, क्लियरली देख सकते हैं। तो दोनों को इंडिविजुअली आपको स्लाइडर मिल जाता है वॉल्यूम का, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मास्टर तो आपको मिलता ही है, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक जादू दिखाया था कि कैसे आप बिना टच किए हुए अपने पोको मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, तो इस जादुई डोंगल की मदद से आप कर सकते हैं, जो ये सी टाइप का डोंगल है और पीछे में आपको वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड के डोंगल को लगा देना है और इस सी टाइप को सी पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। और बस जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वायरलेस माउस है या वायरलेस कीबोर्ड है इसे कनेक्ट हो जाएगा और उसको यूज करके आप अपने पोको मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो के शुरू में एक और मैंने आपको जादू दिखाया था कि कैसे आप अपने वेरियस फीचर्स को देख सकते हैं अपने पोको मोबाइल में। इसके लिए आपको अबाउट फोन में जाना है, नीचे आना है डिटेल्ड इन्फो स्पेक्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नल वर्जन को मल्टीपल टैप करना है और यहाँ पर खुल जाता है सारा का सारा टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में क्या क्या है वो सारा बताता है। LCD पैनल है, मेन कैमरा है, डेप्थ कैमरा है, फ्रंट कैमरा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का भी मिल जाता है, GPS में कितना GPS में सैटेलाइट कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको लाइव दिखाता है कि इतने सैटेलाइट, अभी मात्र दो ही सैटेलाइट कनेक्टेड है। पास कर दीजिए और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दिखा देता है कि कितना सारा यहाँ पर इस पोको मोबाइल में आपको सेंसर्स देखने को मिल जाता है। और नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको वेरियस फिंगरप्रिंट का, वाइब्रेटर का, रिसीवर का, ये सब का सारा टेस्टिंग देखने को मिल जाता है। तो एक जगह पर ही अपने सारे पोको मोबाइल के हार्डवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे इस पोको फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स। आप
आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, मैं हमेशा बोलता हूँ करते रहना चाहिए। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।